कार्यक्रम गीत जो मन भाए। कार्यक्रम में आज बातें होंगी और गीत होंगे रोहिणी हथंगड़ी के। कीजिए आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। सोचा था क्या क्या हो गया क्या हो गया, ढूंढो मुझे मैं कहीं खो गया, मैं भी कहीं खो गई छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई। तिलक दिन तिलक दिन तिलक दिन तिलक दिन, अरे गड़बड़ हो गई अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई अरे सीटी बज गई, अरे अरे मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई सीटी बज गई, अरे अरे मुझको संभालो मैं चला, रोक सको तो रोक लो ओ सालों मैं चला, हो गड़बड़ हो गई अरे सीटी बज गई, चली तू अरे लौट के आ जा, अरे रुक जा पगली हो गड़बड़ हो गई। चौलपुर होता देखो ये तमाशा देखने वालों में
डर से तू बच गई। अरे रे रे मुझको संभालो मैं चला, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालो मैं चला। गड़बड़ हो गई डर से तू बच गई। अरे सीटी बज गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे दिन तिनक दिन, अरे सीटी बज गई, ओ गड़बड़ हो गई। ये दास्तां है भारत के सबसे मशहूर अभिनेत्री में से एक रोहिणी हतंगड़े की। इनके जन्म का नाम था रोहिणी ओम। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई पुणे के गर्ल्स मेमोरियल हाई स्कूल में।
ये बात भी बड़ी हैरान करती है कि भारत का जाना माना इंस्टीट्यूट FDDI रोहिणी हथंगड़ी के घर के नज़दीक ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने न्यू दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को चुना। इसके पीछे वजह भी बड़ी हैरतअंगेज है। इनके पिता ने इन्हें कहा था अभिनय का असली प्रशिक्षण रंगमंच से ही मिलता है, लिहाजा इन्होंने रंगमंच को ही चुना, फिल्म ट्रेनिंग को नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। यहाँ इनकी मुलाकात हुई जयदेव हथंगड़ी से, दोनों एक ही बैच के थे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यार घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। देखो अपने प्यार की दे दें जवा हो गई मामू, सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। हाँ मैं तेरे आ
आंसू पोंछूं। अरे रुमाल देना मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। कमाल की बात यह है कि महान थिएटर गुरु ब्रह्म मलका जी के ये दोनों ही छात्र अपने अपने विधाओं में सर्वश्रेष्ठ बने। रोहिणी हथंगड़ी को उस समय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था और जयदेव हथंगड़ी को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का। एनएसडी से कोर्स पूरा करने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी से एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा असीम हथंगड़ी। दामिनी ओ मेरी दामिनी, दामिनी
चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के अपने दीवाने पन के नजारे। भी कम लोग जानते हैं कि रोहिणी जी ने विधिवत प्रशिक्षण लिया शास्त्रीय नृत्य में, कथकली और भरतनाट्यम का। इनके गुरु थे सुरेंद्र वाडगांवकर। जब रोहिणी जी और जयदेव जी एनएसडी में थे तब इन्होंने एक थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा आविष्कार, और मराठी रंगमंच पर ये दोनों ही छा गए। बचपन बीता जवानी
बज के आए बाराती लाए घोड़े हाथी सहरा गाएंगे सदा सुहागन रहे तू बंदो तुझे दुआएं दे जाएंगे आज की रहना हम लोगों को झूम झूम के गाना है ओए होए मुझे साजन के घर जाना मुझे साजन के घर जाना है हाँ मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है एक बार फिर रोहिणी जी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा फेस्टिवल में। इस बात पर भी गौर करना होगा कि रोहिणी हथंगड़ी पहली ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने कन्नड़ नाटक यशगान में काम किया, पहली एशियाई महिला जिन्होंने जापानी नाटक कातुकी में भी काम किया था। Thank you.
नितिन सेन की बांग्ला कहानी पर आधारित नाटक अपराजिता बहुत मकबूल हुआ। ये एक सोलो परफॉर्मेंस हुआ करती थी जिसका मंचन हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में होता था। अभिनय रोहिणी जी का और निर्देशन जयदेव जी का। प्रेमचंद की लिखी लघु कथाओं पर आधारित नाटक बनाए गए, उनके उपन्यासों पर आधारित नाटक भी बनाए गए। अपने पति जयदेव हथंगड़ी के साथ मिलकर कलाशय नाम की संस्था बनाई जिसके माध्यम से नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा सके। चुन चुन कलियन
जिस अभिनेत्री ने सोचा था कि वो सिर्फ रंगमंच पर ही दिखेगी, कोई नहीं जानता था वो विश्व सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से बन जाएगी। हालांकि इनकी शुरुआत हुई सईद अख्तर रजा के फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तां के जरिए, जो 1978 में आई थी। इसके बाद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, हिंदी फिल्म अर्थ को कौन भुला सकता है, और फिर गांधी, जिसमें इन्होंने कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाया था और इनके अभिनय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मारा रे
मशहूर है कि जेम्स साबरी एक फिल्म बना रहे थे हीट एंड डस्ट। जब वो रोहिणी हथंगड़ी से मिले तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा ये अभिनेत्री काफ़ी उम्रदराज होंगी, लेकिन ये तो बहुत ही कम उम्र की नज़र आई और थी भी, लिहाजा उन्हें उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि उस फिल्म के लिए मेकअप का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं समझा गया था। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ, जिसमें शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकार थे, उस फिल्म में रोहिणी जी ने ऐसा किरदार निभाया कि उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद कॉमर्शियल फिल्म रही जहाँ हर जगह रोहिणी जी का बोलबाला था।
फिल्म सारांश को कैसे भूला जा सकता है, या फिर अग्निपथ में ये दीनानाथ की माँ का किरदार, और चालबाज में तो विलन भी हैं और कॉमेडियन भी। मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई की माँ भी यही बनी। इन्हें फिल्म पार्टी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 2004 में संगीत एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। और यकीनन ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो किसी भी किरदार को निभा सकती हैं। विश्व सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। गीत जो मन भाई कार्यक्रम में आज हमने बातें की और गीत सुनवाए अभिनेत्री रोहिणी हथंगनी के। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vbsgoldenhours@gmail.com। स्पेलिंग आपको बता देते हैं, vbsgoldenhours vbsgoldenhours@gmail.com।